हेलो गाइस, मैं हूँ प्राची और आज मैं बात करूंगी हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी द डॉल मेकर की। ये रिलीज हुई थी 2004 में। फ्रेंड्स, ये मूवी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। इसकी खास बात ये है कि इसमें इतने रहस्य भरे हुए हैं कि ये आपको बिल्कुल भी बोर होने नहीं देगी। जो लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लड़के से जो कि डॉल मेकर है, यानी डॉल्स बनाता है। वो एक लड़की से बेहद प्यार करता था। उसने लड़की के लिए खूबसूरत सी डॉल बनवाई थी। फिर एक दिन उसे लड़की की लाश अजीब हालत में मिलती है, जहां गांव वालों ने लड़के को कातिल समझकर उसे बेरहमी से मार डाला था और उसे दफना दिया था। लास्ट चीज जो उस लड़के ने मरते टाइम देखी थी, वो उसकी वही डॉल थी जो उसने उस लड़की के लिए बनाई थी। यानी जिस जगह उसे दफनाया जा रहा था, वहाँ पे एक डॉल भी थी। सो उस लड़की को किसने मारा था और क्या रहस्य है, ये आपको वीडियो पूरा देखने पे पता चलेगा। सो नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और 60 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ हेमी नाम की एक लड़की अपनी गाड़ी से डॉल म्यूजियम जा रही थी। वो अपनी मॉम से फोन पे बात कर रही थी कि उसका फोन कट हो जाता है, क्योंकि गाइस जिस एरिया में वो जा रही थी वहाँ पे रेंज नहीं आ रही थी। रास्ते में तेसंग नाम का एक लड़का उससे लिफ्ट मांगता है। दोनों की मंजिल सेम थी, यानी कि दोनों को डॉल म्यूजियम में जाना था, इसलिए वो उसे लिफ्ट देती है और वो दोनों साथ में जाते हैं। म्यूजियम जाने का इनका मेन रीजन ये था कि ये दोनों डॉल के लिए मॉडल करने वाले थे। यानी जिस तरह ये दिखते हैं, सेम टू सेम वैसे ही डॉल इन पे बनने वाली थी। म्यूजियम पहुंचने के बाद वहां इन्हें तीन और लोग मिलते हैं, जिन्हें भी डॉल मॉडल के लिए इनवाइट किया गया था, जिसमें एक फोटोग्राफर, एक स्टूडेंट और एक राइटर थे। फोटोग्राफर देखते ही हेमी की फोटो निकाल लेता है। हेमी जब फोटो देखती है तो उसे अपने पीछे रेड ड्रेस में एक लड़की दिखाई देती है। जैसे ही टर्न करती है तो वो लड़की वहां से गायब हो जाती है, जो काफी ज्यादा अजीब था। फिर हेमी राइटर से मिलती है, जो काफी ज्यादा अजीब थी। उसके हाथ में एक डॉल थी और वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी और काफी दुखी भी लग रही थी। सब म्यूजियम के जाते हैं और म्यूजियम के ओनर चाओ से मिलते हैं, जहां चाओ तेसंग को देखकर काफी सरप्राइज था, क्योंकि उसने उसे इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि तेसंग परफेक्ट मॉडल था। चाओ का मानना था डॉल अगर प्रोफेशनल मॉडल से बनेगी तो वो इतनी ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगेगी जितना कि रियल लोगों से बनी हुई डॉल होगी, इसलिए उसने रियल लोगों को बुलाया था ताकि उनसे वो मॉडल करवा सके। लेकिन तेसंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड था मॉडल करने के लिए, इसलिए वो चाओ से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मॉडल करने दे। फिर चाओ कहता है कि ये डिसीजन वो नहीं ले सकता, वो यहाँ पे रहेगा या नहीं इसका डिसीजन उनकी मेन आर्टिस्ट लेगी, यानी कि जो एक्चुअल डॉल क्रिएट करने वाली है वो अब फैसला लेगी कि वो यहाँ पे रहेगा कि नहीं रहेगा। कि तभी ऊपर से आर्टिस्ट आती है जिसका नाम इम है, उसे तेसंग काफी ज्यादा पसंद आता है, सो इसलिए वो उसे यहाँ पे रोक लेती है। फिर सब लोग उस जगह पे जाते हैं जहाँ बहुत सारी डॉल्स रखी हुई थी। चाओ उन्हें बताता है कि ये सारी डॉल्स रियल ह्यूमन से इंस्पायर्ड है, जिसके बाद वो सबको उनके रूम दिखाता है। जैसे ही हेमी अपने रूम जाती है वो डर जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी सी डॉल थी जिसके हाथ में मिरर था और वो बिल्कुल असली लग रही थी। फिर जब वो अपनी विंडो से नीचे देखती है तो वहाँ उसे रेड ड्रेस वाली वही लड़की दिखाई देती है जो उसकी फोटो में आई थी, और वो फिर से अचानक से गायब हो जाती है। फिर हेमी राइटर से मिलने उसके रूम जाती है। वहाँ एक सैंडलियर था और उसके पास में एक बड़ी सी डॉल थी। ये डॉल देख कर राइटर भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। फिर हेमी उसका फोटो लेती है और कहती है कि ऐसा लग रहा है कि इसमें सोल है। वो राइटर की डॉल पर बैठने ही वाली थी कि राइटर अपनी डॉल उठा लेती है और उस पर गुस्सा करने लग जाती है। हेमी उसे सॉरी बोलती है और पूछती है कि ये डॉल तुम्हारे पास कितने सालों से है। आर्टिस्ट कहती है कि जब से मैं छोटी हूँ तब से ये डॉल मेरे पास में है, और उसे ऐसा फील होता है कि ये डॉल उसने अडॉप्ट किया हुआ है और उसमें सोल है, उसे एज अ रियल पर्सन वो ट्रीट करती है। हेमी को ये सब बातें काफी ज्यादा अजीब लगती है। वो कहती है कि मुझे तो याद भी नहीं कि मेरी डॉल का नाम क्या था, न्यू डॉल आने पर मैं पुरानी डॉल्स को फेंक दिया करती थी। एंड गाइस, उनकी कन्वर्सेशन यहीं पे खत्म भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जब हेमी फोटो ले रही होती है तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजों का पीछा करते हुए एक बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां उसे चाओ मिलता है। वो पूछती है कि यहाँ पे क्या है, तो चाओ उसे कहते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा अच्छा है और वाइन स्टोर करने के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर थोड़ी देर बाद जब सब डाइनिंग टेबल पे लंच कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट राइटर की डॉल को कहती है कि ये तो काफी पुरानी है, तुम इसे फेंक क्यों नहीं देती। तो फोटोग्राफर कहता है कि इसमें सोल हो सकती है और एक्सप्लेन करता है कि कभी कभी जो चीजें हम यूज करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं उसमें
में सोल आ जाती है। उसकी बातें सब लोगों को बकवास लग रही थी। फिर लंच के बाद सब डॉल्स के पास जाकर फोटो खिंचवाने लगते हैं। जब राइडर का फोटो लिया जाता है तो अचानक से वो रोने लग जाती है क्योंकि उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी और वो डर जाती है और चक्कर खाकर जमीन पे गिर जाती है। फिर उसे दवाई देकर उसे उसके रूम में सुला दिया जाता है। सबका ध्यान राइडर की तरफ था। इसका फायदा उठाकर तेसन चुपके से चाओ के ऑफिस में आकर छानबीन करने लगता है। गाइस वो ऐसा क्यों कर रहा था, इसका खुलासा बस थोड़ी ही देर में हो जाएगा। चाओ को आता देख तेसन कबर्ड में छुप जाता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसके बगल में ही एक डॉल खड़ी हुई थी। फिर आवाज सुनकर चाओ जब कबर्ड खोलता है तो वो देखता है कि तेसन वहाँ पे छुपा हुआ था। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब तेसन झूठ बोलता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को वो कॉल कर रहा था, बट नेटवर्क नहीं होने के कारण वो उसका फोन यूज करने के लिए उसके ऑफिस में आया था। चाओ जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, फिर भी वो बस उसे वार्न करके छोड़ देता है और बेसमेंट में जाता है जहाँ पे इन पांचों के फोटोज लगे हुए थे और एक आदमी को इन्होंने बांध कर रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हैमी को फिर से वही रेड ड्रेस वाली लड़की दिखाई देती है। वो उससे बात करती है और उससे पता चलता है कि उसका नाम मीना है। कि तभी तेसन भी म्यूजियम से निकल के बाहर जा रहा होता है तो हैमी उसे आवाज देती है। जब वो उसके पास आता है तो देखते ही देखते मीना गायब हो जाती है, जो काफी स्ट्रेंज था। फिर हैमी आंटी सिम को मिलने के लिए जाती है जहाँ काफी सारी डॉल्स रखी हुई थी और इनमें से एक डॉल्स सेम टू सेम मीना जैसी लग रही थी। आर्टिस्ट एम से कहती है ये तो मीना जैसी लग रही है, तो आर्टिस्ट कहती है कि तुम्हें उससे मिलकर कैसा लगा। हैमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछना चाह रही है, तो आर्टिस्ट कहती है कि मुझे तो लगा कि तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो क्योंकि मीना हमेशा तुम्हारे बारे में ही बातें किया करती है। और कहती है कि हैमी जैसे ही मुझे देखेगी वो मुझे पहचान लेगी। ये सब कह के वो हैमी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। मीना वहीं थी और ये सब सुन के वो काफी ज्यादा अपसेट थी और रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ राइटर को होश आता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो हैमी को मारने के लिए बोल रही थी क्योंकि उसकी डॉल को किसी ने पूरी तरह काट दिया था और फोटो में साफ दिख रहा था कि ये सब हैमी ने किया है, बट वो साफ इनकार कर रही थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और राइटर फिर से बेहोश हो जाती है। फिर डिनर टेबल पे सब ये बात कर रहे थे कि डॉल को अगर हैमी ने नहीं मारा है तो किसने मारा है। फिर फोटोग्राफर कहता है कि हो ना हो इन सब के पीछे एक सिम्बोलिक मीनिंग है। ये सब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा था। सब लोग जानने के लिए उसे पूछते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। फिर फोटोग्राफर कहता है कि डॉल में सोल होती है और ये सोल उनकी नेक से नीचे जाती है और अगर उनकी नेक को तोड़ दिया जाए तो वो मर भी सकती है। इस तरह से राइटर की डॉल भी मारी गई थी। उसकी बातें काफी ज्यादा सुपरस्टिशियस थी जो वहाँ के लोगों को समझ नहीं आ रही थी और इसलिए वो उसे मानने से इनकार कर देते हैं। फिर फोटोग्राफर कहता है कि यहाँ पास में एक विलेज है जहाँ एक डॉल ने बहुत सारे लोगों से बदला लेने के लिए उन्हें मार दिया था। ये बात सुनकर सब लोग रियलाइज कर रहे थे कि इनका कनेक्शन भी इसी गाँव से है क्योंकि इनके एंसेस्टर वहीं से बिलोंग करते हैं, जो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। बट सब इग्नोर मार देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब अंधविश्वास है। फिर रात को राइटर के रूम में जो डॉल थी वो अचानक से जिंदा हो जाती है और उस पर अटैक करती है और उसे मार देती है। डिनर के बाद हैमी जब म्यूजियम से बाहर जाती है तो उसे मीना दिखती है। वो काफी दुखी थी, रो रही थी क्योंकि हैमी ने उसे नहीं पहचाना था। फिर जैसे ही हैमी उसे सहारा देने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, उसके हाथ खून से सने हुए थे। वो डर कर वहाँ से भागने लग जाती है, स्लिप होकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वही अंदर राइटर को देखने के लिए जब स्टूडेंट उसके रूम में जाती है तो वो देखती है कि राइटर लटकी हुई है, उसकी जीभ बाहर निकली है। वो काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है कि सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं। चाओ उन्हें शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि उसने पुलिस को बुला लिया है, वो आके इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। कि तभी स्टूडेंट को वॉशरूम जाना होता है, बट उसे डर लग रहा था तो फोटोग्राफर उसके साथ में जाता है। गाइस यहाँ पे एक और अजीब बात थी, हर वॉशरूम में एक डॉल थी। स्टूडेंट को काफी ज्यादा डर लग रहा था, पर डरते डरते वो अंदर जाती है और काफी देर हो जाती है लेकिन वो बाहर नहीं आती। तो फोटोग्राफर जानने के लिए उसकी फोटो क्लिक करता है और वो देखता है कि स्टूडेंट के पैर हाथ टूटे हुए हैं, वो खून में सनी हुई है, किसी ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मार दिया है। वो डर कर वहाँ से भाग कर अपनी गाड़ी में बैठ कर जाने लगता है। तेसन ये सब देखता है और वो भी उसके पीछे जाने लगता है कि वो क्यों भाग रहा है, लेकिन फोटोग्राफर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेहोश हैमी को सपने में बचपन की यादें दिखाई देती हैं, जिसमें वो एक डॉल के साथ में खेल रही थी जो कि बिल्कुल मीना जैसी देख रही थी। फटाफट वो उठकर चाओ के ऑफिस में जाती है और अपनी मॉम को कॉल करके बचपन की डॉल कैसी है ये कंफर्म करती है। गाइस उसकी बचपन की डॉल जिंदा होकर वापस आ गई थी, जिस कारण से वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। फिर मीना वहाँ पे आती है, जिसे देखकर वो काफी डर गई थी। वो भागने लगती है और उसकी कार की चाबी उसके हाथ से छूट के गिर जाती है। तभी तेसंग वहाँ पे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। गाइस यहाँ पे एक और रहस्य खुलता है। तेसंग एक पुलिस ऑफिसर है, यहाँ काम करने वाले एक आदमी की रहस्यमय तरीके से
मौत हो गई थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो यहाँ पे अंडरकवर आया था। तेसंग को लग रहा था कि हेमी ने ही सबको मारा है, क्योंकि बस वही है जो जिंदा बची है, जिसके बाद वो उसे हैंडकफ से बांध देता है और स्टूडेंट को मारने वाली फोटो उसे दिखाता है जो कि फोटोग्राफर ने ली थी। उसमें साफ दिख रहा था कि हेमी ने स्टूडेंट को बेरहमी से मार दिया है, बट हेमी कहती है कि ये सब उसके बचपन की डॉल कर रही है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बट वो उस पे बिलीव नहीं करता। कि तभी आर्टिस्ट वहाँ पे आती है और तेसंग को कहती है कि वो एक बार फिर से फोटो को देखे। जैसे ही वो फोटो को देखते हैं, हेमा फोटो से गायब हो गई थी। एंड गाइस, यहाँ पे मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। ये सब क्या चल रहा था, इसका खुलासा यहाँ पे होता है। जो स्टोरी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी वो 60 साल पुरानी है, जिसमें लड़की का खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि तेसंग का ग्रैंडफादर था, जिसके मर्डर का इंजाम डॉल मास्टर पे लगा था और उसे बेरहमी से गांव वालों ने मार दिया था। डॉल मास्टर को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसने ठान लिया था कि वो सब लोगों से बदला लेगी और उसी ने विलेज के लोगों को मारा था और अपना बदला लिया था। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि डॉल इन लोगों को क्यों मार रही है, तो वो इन लोगों को इसलिए मार रही है क्योंकि जिन लोगों ने डॉल मास्टर को मारा था ये सब उसकी नेक्स्ट जनरेशन है, यानी कि वो इनके एंसेस्टर्स, इनके पूर्वज थे। तो डॉल इन्हें मारकर अब इनके पूर्वजों के पाप का बदला इनसे ले रही है। एंड गाइस, बेसमेंट में जो आदमी बंधा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि आर्टी सिम का हस्बैंड है। ये डॉल आर्टी सिम और उसके हस्बैंड को जंगल में मिली थी, वो इसे घर ले आए थे और डॉल की सोल ने आर्टी सिम के शरीर पे कब्जा कर लिया था और अब वो सबसे बदला ले रही है उन्हें मारकर। सच जानकर तेसंग इम के पास जाता है, जहां इम बहुत ही डरावनी बन जाती है, उसकी गर्दन 360 घूम जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर आर्टी सिम उन्हें कहती है कि तुम्हारी मौत बहुत ही भयानक तरीके से होने वाली है, ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है। तो अब इन लोगों को जल्द से जल्द यहां से भागना था, लेकिन हेमी को तेसंग ने हैंडकफ से बांधा हुआ था, जिसकी चाबी उसके रूम में थी। तो अब तेसंग हेमी को उसकी सेफ्टी के लिए अपनी गन देता है और चाबी लेने के लिए अपने रूम में जाता है कि तभी मीना उसके पास आती है और कहती है कि इम ने उसे प्रॉमिस किया है कि अगर वो उसके गुनेगारों को मार देगी तो वो हेमी को छोड़ देगी, बट हेमी उससे डरकर मीना पर ही गोली चला देती है, जिससे मीना काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। बट स्टिल वो अपना काम पूरा करने के लिए, यानी तेसंग को मारने के लिए जाती है और इसे लटका देती है। फिर हेमी जैसे तैसे करके हैंडकफ्स तोड़ देती है, जहाँ उसे फोटोग्राफर की वो बात याद आती है कि अगर डॉल को मारना है तो डॉल की गर्दन को काटना होगा। फिर हेमी फटाफट से जाकर मीना की डॉल को लेकर आती है और इसकी गर्दन वो काटने ही वाली थी, मीना वहाँ पे आ जाती है और अपनी डॉल को वो गायब कर देती है। वो कहती है कि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे तुमने बचपन में क्यों छोड़ा था। मीना की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, हेमी वहाँ से डरकर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट में जाओ इनके हस्बैंड से कहता है कि तुम्हें हमारे लिए एक डॉल बनानी होगी। वो उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है कि डॉल मास्टर की डॉल बनानी है जिसे मार दिया गया था, अगर उसकी डॉल बन गई तो उसमें उसकी सोल वापस आ जाएगी और डॉल मास्टर और डॉल आराम से साथ में रह सकते हैं। गाइस, मीना की डॉल भी इम के हस्बैंड ने बनाई थी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि चाओ ये सब क्यों कर रहा है। एक्चुअली चाओ आर्टी सिम का भाई है, डॉल ने आर्टी सिम को पोजेस कर लिया है और कहा है कि अगर उसके प्यार यानी कि डॉल मास्टर की डॉल बन गई तो वो आर्टिस्ट को छोड़ देगी। लेकिन इम का हस्बैंड जानता है कि वो एक इविल डॉल है, इसलिए वो हमेशा से मना करता आ रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों ने उसे यहाँ बेसमेंट में बांध कर रखा हुआ है। बट अब वो मौका पाकर चेन तोड़ देता है और चाओ को वहाँ पे बांध कर ऊपर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हेमी तेसंग के पास जाती है, जो कि जिंदा था, बट मीना बहुत गुस्से में थी। वो तेसंग के साथ साथ हेमी को भी मारने वाली थी, जहाँ तेसंग हेमी को प्रोटेक्ट करते हुए खुद मर जाता है। मीना हेमी को मारने लगती है कि तभी उसके हाथ में उसे चोट का निशान दिखता है, तो मीना को याद आता है कि बचपन में एक बार जब हेमी उसके साथ में खेल रही थी तो एक बाइक से उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें हेमा ने मीना को प्रोटेक्ट करते हुए उसे बचाया था, उसके चक्कर में उसे काफी बुरी तरह से चोट लग गई थी, जिससे मीना बहुत ज्यादा सेंटी हो जाती है और उसे वो छोड़ देती है। कि तभी आर्टिस्ट इम वहाँ पे आती है, वो मीना पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वो हेमी को नहीं मार रही थी। गुस्से में आर्टिस्ट मीना की डॉल को पूरी तरह से मार कर तोड़ देती है, जहाँ बेचारी मीना रोते रोते मर जाती है। और अब आर्टिस्ट व्हील चेयर से उठकर आती है और हेमा की गर्दन दबाकर उसे वो मारने लगती है कि तभी पीछे से एक गोली चलती है जो कि उसके हस्बैंड ने ही चलाई थी, जिस कारण से वो गिर जाती है। चाओ भी वहाँ पे आ जाता है और इम के हस्बैंड से वो फाइट करने लग जाता है, जिसके दौरान उसकी मौत हो जाती है। वहीं आर्टिस्ट फिर से हेमी पे अटैक करती है, बट हेमी खुद को बचाने के लिए उसे मार देती है। फिर इम का हस्बैंड उसके पास आता है, वो उसे मारने के लिए अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलती है, क्योंकि जब डॉल की सोल ने उसके शरीर पे कब्जा किया हुआ था तो वो काफी ज्यादा तकलीफ में थी और उसके हस्बैंड ने उसे मुक्त कर दिया। फिर आर्टिस्ट का हस्बैंड और हेमी मरे हुए लोगों की बॉडी को
जला देते हैं। एंड गाइस यहीं पे इस मिस्टीरियस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो अब आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एंड अगर 24 घंटे में इस वीडियो पे 300 कमेंट आते हैं तो आने वाली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को दिखाऊंगी। और जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या कमी लगी, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।